रहते हैं मेरे गांव में। राजू दीदी की वीडियो देखने के बाद लोग हंसते हैं और उनका मजाक उड़ाते हैं। मासूम सी दिखने वाली राजू दीदी सबको हंसाती हैं, लेकिन उनके अंदर कितना दर्द है ये कोई नहीं जानता। अक्सर सबको हंसाने वाले लोग ही सबसे ज्यादा दुखी होते हैं। राजू दीदी की वीडियोस तो आपने कई देखी होंगी, लेकिन आज हम राजू दीदी के बारे में कुछ ऐसा बताएंगे जिससे शायद आप अभी अनजान होंगे। साथ ही जानेंगे कि राजू और पनराज में कब दोस्ती हुई और इनके बीच कब प्यार हुआ। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले जान लीजिए, मेरा नाम है विकास और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। पहले जान लेते हैं राजू दीदी के बारे में। राजू दीदी का पूरा नाम राजविंदर कौर है। 13 जुलाई 1991 को चंडीगढ़ के तारनतरन गांव में एक बहुत ही गरीब फैमिली में एक लड़की का जन्म हुआ, जिसे आज आप राजू दीदी के नाम से जानते हैं। इनकी फैमिली में इनकी मम्मी है। जब राजू दीदी बहुत छोटी थी तब इनके पापा इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे, तो राजू दीदी की माँ दूसरों के घर काम करके अपना गुजारा किया करती थी। साथ ही राजू दीदी भी दूसरों के घर काम करने लगी। पढ़ने लिखने की एज में ये दूसरों के घर काम करने लगी थी। इसके बाद राजू की माँ ने सोचा क्यों ना राजू दीदी की शादी कर दी जाए, शायद इसकी किस्मत बदल जाए। फिर राजू की माँ ने कैसे भी पैसे इकट्ठे करके राजू दीदी की शादी कर दी। स्टार्टिंग में राजू दीदी के पति का बिहेवियर बहुत सही था, लेकिन बाद में इनके 2-3 बच्चे हो गए और इनके पति का बिहेवियर चेंज हो गया। वो राजू दीदी को मारने पीटने लग गए क्योंकि नहीं चाहते थे कि उनके लड़की हो। उसके बाद राजू दीदी को कई सालों तक यह सब कुछ सहना पड़ा, लेकिन सहन करने की भी एक लिमिट होती है। इसी बीच राजू दीदी की माँ की तबीयत खराब हो गई, तो राजू अपने तीनों बच्चों को लेकर अपने मम्मी के घर आ गई और वहाँ आकर उसने डिसाइड किया कि वो अब अपने पति के घर दोबारा नहीं जाएंगी और अपने बच्चों को भी नहीं जाने देंगी। राजू दीदी की माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, तो वो काम करने नहीं जाती थी, वो पनराज के घर में काम किया करती थी। अब राजू दीदी को अपने बच्चों का पालन पोषण करना था, तो राजू दीदी अपनी माँ की जगह पनराज के घर पे काम करने जाने लगी। पनराज रंधावा जो पहले से ही टिकटॉक पे वीडियो बनाते थे, लेकिन उनकी कोई भी वीडियो वायरल नहीं हुई थी। राजू पनराज के घर रोज काम करने जाया करती थी और धीरे धीरे राजू और पनराज में दोस्ती हो गई और वो दोनों काफी अच्छे दोस्त बन गए। एक दिन पनराज ने कहा कि तुम मेरे साथ वीडियो बनाओगी, तो राजू ने हाँ कर दिया और पनराज ने राजू दीदी के साथ अपना पहला वीडियो शूट किया और उसे टिकटॉक पे पोस्ट कर दिया। इनकी यही वीडियो रातों रात वायरल हो गई। इनकी इसी वीडियो पर रातों रात मिलियंस में व्यूज आ गए और मात्र एक वीडियो ने ही इनकी रातों रात जिंदगी बदल दी। पनराज और राजू दीदी की टिकटॉक पर मिलियंस में फ्रेंड फॉलोइंग हो गई थी। हर कोई इनके बारे में जानने लग गया और इनकी सारी वीडियोस वायरल हो गई। लेकिन तभी टिकटॉक हो गया बैन। टिकटॉक के बाद पनराज ने इंस्टाग्राम और यूट्यूब ज्वाइन कर लिया और इस पे वीडियो बनाने लगे और इनकी सारी रील्स वीडियो काफी तेजी से वायरल होती है। और अब राजू दीदी और पनराज जाने माने सोशल मीडिया स्टार बन चुके हैं। और जब राजू दीदी के पति को पता चला कि राजू दीदी फेमस हो गई हैं और बहुत पैसा कमाने लगी है, तो वो राजू दीदी को लेने आए, लेकिन राजू ने मना कर दिया और ना ही अपने बच्चों को जाने दिया। वेल फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, राजू दीदी ने सही किया या गलत, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तू ही दस कि मैं तेरे बिना जील मां एडा भी जिगर कोई ना। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं राजू दीदी और पनराज के प्यार के बारे में। जब इन दोनों के सारे वीडियो वायरल होने लगे तो लोगों में इनके रिश्ते को लेकर कंफ्यूजन होने लगा। लोग सोचने लगे कि इन दोनों के बीच क्या रिश्ता है। हर कोई इन्हें वाइफ और हस्बैंड समझता, तो कोई इन्हें गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड समझता और हर कोई को लगता कि ये दोनों रिलेशनशिप में है। लेकिन मैं आपको बता दूं, इन दोनों के बीच ऐसा कुछ नहीं है। पनराज राजू दीदी से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन वो उन्हें अपनी सिस्टर मानते हैं। वो राजू दीदी की बहुत ज्यादा केयर करते हैं और उनको बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। प्यार का मतलब सिर्फ एक चीज नहीं हो सकता, प्यार तो हर किसी से किया जा सकता है। और राजू दीदी पनराज के साथ बहुत ज्यादा खुश रहती है। आपको पनराज और राजू दीदी की जोड़ी कैसी लगती है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तेरे इश्क पे हाँ, हक मेरा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी इंटरेस्टिंग और रियल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो एंड तक देखा है तो वीडियो पे अपना रेस्पॉन्स जरूर दें, लाइक कमेंट जरूर करें। आपकी हर कमेंट हमारे लिए बहुत वैल्यू रखती है। बाकी हमारी मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में।